हाय क्लास सेवन स्टूडेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर दीपक और हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन। इससे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि फूड कैसे कैसे स्पॉयल होता है और स्पॉयल्ड फूड खाने से हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, वो है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन जो इस टॉपिक का पार्ट है, वो हम आज कवर करेंगे और कैसे कैसे हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, वो स्पॉयल ना हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे, फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स। बहुत सारे मेथड्स हैं बेटा जो आप अब देखेंगे डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपकी मदर नॉर्मली किचन में यूज़ भी करती हैं ताकि जो आपका फूड है वो स्पॉयल ना हो। सो वी विल बी स्टार्टिंग ऑल दीज इन डिटेल वन बाय वन। सो फूड प्रिजर्वेशन इज अ साइंस दैट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिके और स्पॉयलेज ऑफ फूड। ऐसा प्रोसेस जिससे हम फूड की स्पॉयलेज को रोक पाएं, ओके, दस अलाउिंग इट स्टोरेज, ताकि हम इसको स्टोर कर पाएं इन द बेस्ट कंडीशन फॉर फ्यूचर। फूड प्रिजर्वेशन एंश्योर्स द क्वालिटी। फूड प्रिजर्वेशन में हमको उसकी क्वालिटी वैसी ही मिलनी चाहिए जैसी हमने पहले स्टोर की थी। एडिबिलिटी, एडिबल मतलब खाने के योग्य है, ओके, सो खाने लायक होना चाहिए वो खाना आफ्टर द फूड प्रिजर्वेशन एज वेल। एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू। न्यूट्रिटिव वैल्यू वो है बेटा कि कितने न्यूट्रिएंट्स इसमें पहले थे और कितने प्रिजर्व करने के बाद रह गए हैं। सो उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू भी सेम रहना चाहिए, ओके, ऑफ द फूड शुड रिमेन इंटैक्ट। बेसिकली फूड प्रिजर्वेशन मीन्स दैट द फूड रिमेन्स इन द स्टेट, वो फूड वैसे ही स्टेट में रहेगा जैसा हमने उसको पैक किया था, वेयर इट इज़ नॉट अटैक्ड बाई द माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट एट्सेट्रा, एंड डज नॉट लूज ऑप्टिमम क्वालिटीज लाइक कलर, टेक्स्चर, फ्लेवर एंड न्यूट्रिटिव वैल्यूज एट्सेट्रा। कि वो फूड उसी स्टेट में रहे जिसमें हमने उसको प्रिजर्व किया था, उसके ऊपर कोई माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स और रोडेंट्स अटैक ना कर पाएँ, उसका कलर जो है वो वैसा ही रहे, उसकी टेस्ट वैसा ही रहे, उसकी स्मेल वैसी ही रहे और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू वैसी ही रहे जैसी पहले थी और हमने प्रिजर्व किया, तो वो चीज़ें सेम होनी चाहिए। सम ऑफ द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व फूड आर। अब बेटा बहुत बेसिक मेथड्स की हम बात करेंगे जो आप डेली देखते हैं, बट वी नेवर रियलाइज कि वाई वी आर डूइंग दिस, कि आपकी मम्मा ऐसा क्यों कर रही हैं, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू प्रिवेंट द स्पॉयलेज ऑफ द फूड। सो नंबर वन इज ड्राइंग। हम कुछ फूड मटेरियल्स को सनलाइट में रख देते हैं ताकि वो ड्राई हो जाए, और जब वो ड्राई हो जाते हैं तो उनका वाटर कंटेंट खत्म हो जाता है, तो जो माइक्रोब्स वगैरह हैं वो उस पर ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए ह्यूमिडिटी चाहिए, वाटर कंटेंट चाहिए। सो ड्राइंग द फूड मटेरियल अंडर द सनलाइट, ओके, सनलाइट में और विंड इज द ओल्डेस्ट मेथड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है बेटा। पहले जब स्टोर करते थे तो ऐसा करते थे हम फॉर फूड प्रिजर्वेशन। ड्राइंग रिड्यूसेस द, ड्राइंग का क्या फॉर्मूला है, कैसे कंसेप्ट है इसका, दैट इट रिड्यूसेस द वाटर कंटेंट इन द फूड, जिसकी वजह से वो स्पॉयल नहीं होता है। ड्राइंग रिड्यूसेस द वाटर कंटेंट इन द फूड, दस प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स। सो माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाता है। माइक्रोब्स ग्रो इन बेस्ट इन द मॉइस्ट एनवायरमेंट। माइक्रोब्स हमने जो बात करी कि माइक्रोब्स को ग्रोथ के लिए चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ के लिए चाहिए वाटर। अगर वाटर कम है फूड में तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसके एग्जांपल्स हैं बेटा ड्राई फ्रूट्स, ड्राई मीट एट्सेट्रा। जो हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं वो सनलाइट में ड्राइड होते हैं और उन पर जनरली माइक्रोब्स अटैक नहीं करते हैं, एंड दे कैन बी प्रिजर्व फॉर रिलेटिवली अ लॉन्गर पीरियड, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मेथड विच इज फ्रीजिंग। जो आप कॉमनली देखते हैं, हम सबके घर में फ्रिज है। फ्रिज में क्या होता है बेटा, जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर से काफ़ी कम होता है और उस टेम्परेचर पे माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर सकते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक नहीं कर सकते, और ऑल्सो दैट इज़ इन अ पैक्ड फॉर्म। अगर वो अंदर है फ्रिज के तो कोई रोडेंट्स, इंसेक्ट्स वगैरह भी उस पर अटैक नहीं कर सकते हैं। सो कीपिंग फूड इन द कोल्ड स्टोरेजेस रिड्यूसेस द माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। आप कभी भी जाते हैं शॉपिंग करने तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक डीप फ्रीजर्स रखे होते हैं, बड़े बड़े फ्रोजन कंपार्टमेंट्स रखे होते हैं, और उनके अंदर जनरली आपको मिलती है मटर, पनीर एंड योगर्ट, कर्ड, आइसक्रीम्स, वो सब चीज़ें जो हैं हमारी डीप फ्रीजर में या कोल्ड स्टोरेज में स्टोर होती है। इसका एग्जांपल है फ्रोजन पी, कि जो हमारी मटर है उसको हम फ्रीज करके रखते हैं, क्योंकि मटर जो है जनरली वी गेट इट इन द विंटर्स, बट समर्स में भी आप देखेंगे कि हमको मटर मिलती है बिकॉज हम उसको फ्रोजन स्टेट में प्रिजर्व कर लेते हैं और उसके बाद जब यूज़ करनी होती है तो उसको हम निकाल लेते हैं।
सो दिस इज वन मोर कॉमन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फ्रीजिंग. ओके, सो मूविंग ऑन टू द थर्ड वन विच इज स्मोकिंग. स्मोकिंग से क्या समझते हो बेटा? स्मोक मतलब धुआं. तो उसको स्मोक में पकाना, उसको उस धुएं में पकाना, ताकि जो उसके माइक्रोब्स हैं वो मर जाएं और वो जो फूड है वो रिलेटिवली ड्राई हो जाए और कैन बी प्रिजर्व्ड. कुकिंग फूड बाय एक्सपोजिंग इट टू द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग वुड. बर्निंग वुड है, एक लकड़ी को जला के उससे जो स्मोक आता है उसके अंदर फूड को पकाना, उसको हम बोलते हैं स्मोकिंग. ओके, सो स्मोक इज एंटी माइक्रोबियल इन एक्शन. ये जो स्मोक, ये जो धुआं होता है, इसका टेम्परेचर भी हाई होता है और ये एंटी माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स को ग्रो नहीं करने देता. एंटी माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स पे, माइक्रोब्स इस पे ग्रो नहीं कर सकते हैं, ये माइक्रोब्स के एंटी हैं. फॉर एग्जांपल इसमें है स्मोक्ड रोस्टिंग. स्मोक रोस्टिंग हम किसी भी फूड की कर सकते हैं, जनरली मीट वगैरह की काफ़ी करते हैं. सो स्मोक रोस्टिंग इज डन फॉर फ्यू फूड्स टू प्रिजर्व द फूड. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन विच इज़ द पैकिंग. Packing in airtight bags and bottles can prevent microbial growth. For example, dry fruits and all. क्या होता है बेटा, जो packing होती है हमारी, उसमें हम कैसे करते हैं, हम airtight containers में pack करते हैं. Airtight में क्या होगा, when there will be no air, so there will be no growth of microbes. So उस microbes की growth को रोकने के लिए हम airtight containers में उनको pack करते हैं. This is one common method जो everybody uses in their kitchens. Okay? हम ज़्यादातर जो अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो हम एयर टाइट कंटेनर्स में प्रिजर्व करके रखते हैं, ताकि एयर नहीं होगी एंड उसके अलावा अगर एयर नहीं होगी तो उसमें माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाएंगे. नंबर 5 इज ऑयलिंग एंड सॉल्टिंग. ये भी एक बहुत कॉमन मेथड है बेटा. सॉल्ट अगर हम ज़्यादा डाल देते हैं किसी भी खाने में तो आप देखेंगे कि वो पानी छोड़ देता है. सो द वाटर कम्स आउट, और वो वाटर बाहर आ जाता है तो वाटर की कमी हो जाती है, तो माइक्रोब्स उस पर ग्रो नहीं कर पाते हैं. ओके, सो सॉल्टिंग कॉजेज डिहाइड्रेशन, मतलब पानी कम हो जाता है ऑफ माइक्रोबियल सेल्स, देयर बाय प्रिवेंटिंग देयर ग्रोथ इन द फूड. समटाइम्स ऑयल इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व फूड, फॉर एग्जाम्पल मेकिंग पिकल्स. आप अचार वगैरह में देखेंगे कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ सॉल्ट, बहुत सारा नमक डालती हैं आपके मदर, और ऑयल होता है, वो ऑयल जो है वो माइक्रोब्स को ग्रो नहीं करने देता. ओके, सो माइक्रोब्स नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ, और अगर हम उनको डिहाइड्रेट कर देते हैं थ्रू सॉल्टिंग या फिर ऑयल ऐड कर देते हैं, सो दे कैन नॉट ग्रो ऑन द प्रिजर्व्ड फूड. सो दीज आर द 5 मेथड्स. लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट इज नंबर 6 इज शुगर. ओके, अब जैसे हमने ऐड किया था सॉल्ट, ऐसे ही कई बार हम बहुत सारा शुगर ऐड कर देते हैं तो उसमें भी माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा मुरब्बा वगैरह होता है, बहुत ज़्यादा चाशनी में डूबा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है, बट द कंसंट्रेशन इतनी हाई होती है, वो डिहाइड्रेटेड फूड हो जाता है कि उस पर माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते हैं. एडिंग शुगर इज़ अ मेथड टू प्रिजर्व फूड्स लाइक फ्रूट्स, जैम्स. फ्रूट्स का जो होता है बेटा, मुरब्बा बना देते हैं, और जैम्स आपने देखा ही है कि दे आर वेरी स्वीट इन कंटेंट, बहुत ज़्यादा स्वीट कंटेंट उनमें ऐड होता है, दे आर वेरी स्वीट इन टेस्ट. ओके, सो नंबर 7 इज टू ऐड फ्यू केमिकल्स. कुछ केमिकल्स हम फूड में डाल सकते हैं जिसकी वजह से वो स्पॉयल ना हो. जो बहुत कॉमन केमिकल हम डालते हैं वो है विनेगर. जो एसिटिक एसिड होता है उसका जो नाम होता है, कॉमन नेम इज विनेगर. या तो हम ये डाल सकते हैं या सोडियम बेंजोएट डालते हैं. दे आर यूज एज आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, दे आर नॉट नेचुरल. ओके, अभी तक जो मेथड्स हम बात कर रहे थे दे वर नेचुरल प्रिजर्वेटिव. सॉल्ट ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दी, ऑयल ऐड कर दिया, ड्राई कर लिया, स्मोक कर लिया, ऑल दीज वर नेचुरल मेथड्स. केमिकल जो है ये आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स इसमें हम ऐड करते हैं, बाहर से हम इसमें कुछ ऐड करते हैं जो कि विनेगर हो सकता है या सोडियम बेंजोएट भी एक कंपाउंड होता है जिसको अगर हम ऐड कर दें तो फूड जो है वो प्रिजर्व्ड रहता है. नंबर 8 इज द हीटिंग एंड बॉयलिंग. आप सबसे कॉमन मेथड जो आपकी मदर घर पे यूज़ करती है वो करती है हीटिंग एंड बॉयलिंग. वो बार बार मिल्क को बॉयल करती हैं ताकि वो स्पॉयल ना हो जाए. तो किसी भी चीज़ को हीट करने से उसके माइक्रोब्स जो होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे एंड न्यू माइक्रोब्स विल नॉट बी एबल टू ग्रो. तो इसलिए हम हीटिंग एंड बॉयलिंग, दीज आर द मेथड दैट प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ. माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो इन एक्सट्रीम टेम्परेचर. इतना गर्म टेम्परेचर होता है तो माइक्रोब्स उस पर ग्रो नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी कॉमन मेथड जो आपकी मदर यूज़ करती हैं. यहाँ पे जो एक फोटो दिया हुआ है आपकी बुक में, दैट इज पिकल शोन इन अ जार. एक ग्लास का जार है जिसके अंदर पिकल है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ऑयल इन इट. उस ऑयलिंग की वजह से उस पर माइक्रोब्स नहीं ग्रो कर पाते हैं और प्रिजर्व हो जाते हैं.
अब बेटा वी हैव रेड ऑल द 8 कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन के जो भी मेथड्स हमने पढ़े, बट इसमें एक कॉमन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है पास्चराइजेशन. आपको इन सबको तो एक कॉमनली आपने देखा, याद किया, बट दिस इज़ वन मेथड जो आपको अभी यू हैव टू जस्ट रिमेंबर, लर्न एंड अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. वॉट इज़ पास्चराइजेशन? पास्चराइजेशन इज़ द मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, जिसमें जो है वो फूड आर्टिकल को थोड़ी सी देर के लिए हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज करते हैं फॉर जस्ट फ्यू सेकेंड्स. उससे जो उसके माइक्रोब्स हैं वो मोस्टली ख़त्म हो जाते हैं. ओके, सो इन दिस मेथड विच इन्वॉल्व्स हीट प्रोसेसिंग ऑफ फूड टू किल द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया टू मेक इट फूड सेफ टू ईट. हम फूड को हीट प्रोसेस करते हैं ताकि जो वो फूड है वो माइक्रोब से फ्री हो जाए और खाने लायक हो जाए. ओके, सो वाई इज दिस कॉल्ड पास्चराइजेशन? बिकॉज दिस वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड बाई साइंटिस्ट लुईस पाश्चर. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कि लुईस पाश्चर फ्रेंच साइंटिस्ट थे, एक जिन्होंने ये मेथड हमको बताया था, उन्हीं के ऊपर इसका नाम रखा है, विच इज़ पास्चराइजेशन. इन दिस प्रोसेस द फूड मटीरियल इज हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर. ओके, टू अ वेरी हाई टेम्परेचर फॉर फ्यू सेकेंड्स, बहुत थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर फॉर जस्ट फ्यू सेकेंड्स. ओके, एंड देन सडनली कूल्ड, उसके बाद उसको सडनली कूल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो हम आप मिल्क आता है बेटा, आपका जो पैकेट्स आते हैं मिल्क पैकेट्स, दे ऑल आर पास्चराइज और आप उनको कंज्यूम कर पाते हैं, वो काफ़ी देर के लिए प्रिजर्व कर पाते हैं शॉपकीपर्स, बिकॉज दैट इज पास्चराइज फॉर्म ऑफ मिल्क. तो पास्चराइजेशन में क्या करेंगे? द फूड मटीरियल इज एक्सपोज टू अ हाई टेम्परेचर फॉर जस्ट फ्यू सेकेंड्स एंड देन सडनली कूल्ड. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस टेम्परेचर एंड दिस टाइम पीरियड. ओके, टेम्परेचर कितना है? 72 degrees centigrade for 15 seconds. ओके, सो इवन द सेकेंड्स आर इम्पोर्टेंट, इवन द टेम्परेचर इज इम्पोर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर बोथ द थिंग्स. 72 degrees centigrade for 15 seconds and then suddenly cool the food material. उससे हमारा होगा pasteurization complete and most of the microbes will be killed. इसका food material में examples है बेटा milk, जो भी आप canned drinks देखते हैं, cold drinks and all, and cheese etc. they are all pasteurized and then preserved. Okay, so this is one of the method of preservation of food which you have to remember by heart, and you have to specially remember the temperature and the time period for which it is exposed. Okay, so यहाँ पे बेटा एक pasteurization है, एक process हो रहा है, ये conveyor belt होती है जिस पे ऐसे bottles move करती हैं sequence में. So this is a conveyor with pasteurized milk in bottles. तो bottle जो है packed milk contain कर रही हैं और ये एक conveyor belt पे move कर रही हैं. Okay, and this is scientist Louis Pasteur जिन्होंने method दिया था pasteurization का प्रिजर्वेशन के लिए. ओके, सो ही इज शोन इन द नेक्स्ट पिक्चर. अब जो हमने बेटा फूड प्रिजर्वेशन के जो भी मेथड्स अभी तक पढ़े हैं, जस्ट एन ओवरव्यू. सबसे पहले हमने पढ़ा ड्राइंग, फिर हमने पढ़ा फ्रीजिंग, उसके बाद हमने पढ़ा द स्मोकिंग ऑफ फूड, फिर हमने पढ़ा द पैकिंग, फिर उसके बाद ऑयलिंग करी या सॉल्टिंग करी या फिर शुगर ऐड किया, उसके बाद हमने आर्टिफिशियल प्रिजर्वेशन का मेथड पढ़ा जो कि केमिकल्स ऐड करके था, एंड देन वी लर्न अ वेरी न्यू मेथड विच इज़ पास्चराइजेशन. And then heating and boiling, a very common method used at our home for storing the common food materials in our kitchen. Okay, so these are the food preservation methods which you have to remember, read, and pasteurization ka aapko specially sare temperatures and wo yaad karne hain. Uske baad beta, when we have preserved the food, fine, we are done with the food preservation. But there are things jo ek aur humko important cheez jo padhni hai wo hai food storage. क्योंकि सपोज करो आप जो ग्रेन्स हैं, सपोज वीट है, वीट मार्च अप्रैल में एक बार निकलता है एंड देन इट हैज़ टू बी कंज्यूम्ड थ्रू आउट द ईयर. एक बार प्रोडक्शन हुई है ईयर में और पूरे साल हमें उसको कंज्यूम करना है. सो वी हैव टू स्टोर दिस फॉर एटलीस्ट अ ईयर. एक साल के लिए तो कम से कम हमें को उसको स्टोर करना पड़ेगा ताकि वो स्पॉयल ना हो. सो उसको स्टोर करने के लिए बेटा फूड स्टोरेज इज द प्रोसेस दैट अलाउज स्टोरिंग द फूड to be consumed for a longer time. ताकि उस food को हम काफ़ी लंबे time तक consume कर पाएँ उसको हमें store करना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं food storage. So following are few methods. कौन कौन से methods हैं बेटा food storage के? Crops on a large scale, ज़्यादातर जो हम crops की बात कर रहे हैं large scale पे, they are stored in granaries.
okay, so one important term for you. So the granaries are large storehouses often built above the ground to keep stored food grains away from pests and other animals. ग्राउंड से थोड़े से ऊपर होती हैं ग्रेनरीज, सो दैट रोडेंट्स वगैरह उसमें एंटर ना कर पाए, और जो ज़्यादातर ग्रेन्स हैं वो उसमें स्टोर होते हैं, दे आर वेरी वेरी लार्ज इन साइज, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेनरीज. ओके, दे आर लार्ज स्टोर हाउस, दे आर बिल्ट अबव द ग्राउंड लेवल ताकि रोडेंट्स वगैरह उसको खराब ना कर पाए. जो नेक्स्ट मेथड है बेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर्स आर स्टोर्ड इन साइलोज. साइलोज क्या होते हैं बेटा, ये साइलोज की एक फोटो दी हुई है. बड़े बड़े सर्कुलर कंटेनर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं साइज में, सो दे आर लाइक लार्ज स्ट्रक्चर्स फॉर स्टोरिंग बल्क मटेरियल, स्टोर्ड टावर लाइक स्ट्रक्चर ऑन अ फार्म. टावर जैसे होता है, ऐसे बड़े 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 साइलोज होते हैं एक फार्म पे, ऐसे दिखा रखे हैं आपके एग्जाम्पल में. फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज फूड इज स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर, टिन्स, कैंस, एयर टाइट कंटेनर्स एटसेट्रा, विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स एंड पेस्ट. हमने जो कॉमन मेथड्स फूड प्रिजर्वेशन की बात करें, दे वर कॉमन. ओके, हम बॉयल करके एक मिल्क को 24 आवर्स के लिए एट मैक्स स्टोर कर सकते हैं, हम फ्रिज में उनको और 48 आवर्स के लिए स्टोर कर सकते हैं, बट अगर हमें उसको अ वीक और अ मंथ और ऐसे स्टोर करना है तो वो मेथड्स हमारे काम नहीं करेंगे. और अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है सो वी विल नीड लार्ज कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग देम. तो जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं हमारी, या तो हम साइलोज में स्टोर करते हैं या फिर हम ग्रेनरीज में स्टोर करते हैं. ये कुछ ग्रेनरीज के एग्जांपल दिए हुए हैं, दे आर बिल्ट अबाउट द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से ऊपर ऐसे पिलर्स पे इनको खड़ा कर रखा है. दे आर, इस आपकी जो फोटोज में है, दे आर मेड अप ऑफ वुड, सी अदरवाइज भी दे कैन बी मेड अप फ्रॉम ब्रिक्स एंड ऑल ऑल्सो, बट जो फोटो यहाँ आपको दी है दे आर मेड फ्रॉम द वुड्स. ओके, सो वी हैव लर्न टू टर्म्स फॉर फूड स्टोरेज जो कि बड़ी बड़ी स्टोरेज के लिए काम आते हैं, वन आर द ग्रेनरीज एंड द अदर आर द साइलोज. ओके, सो फूड स्टोरेज के लिए बेटा जो मेजर आपको याद करना है वो यही करना है. और फूड प्रिजर्वेशन हम पढ़ ही चुके हैं, दैट इज़ फॉर अ डेली यूज. डेली यूज के लिए, स्टोरेज के लिए हम रेफ्रिजरेटर का यूज़ कर सकते हैं, बॉयलिंग का यूज़ कर सकते हैं. सो नाउ विद दिस स्लाइड वी आर डन विद फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन. सो दिस कम्प्लीट्स योर चैप्टर नंबर 3. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा चैप्टर. उसके अलावा इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट ऑन द स्कूल फोन नंबर and I will give you a call. Thank you so much for listening so patiently.